हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके पैर ज्यादा और हर वक्त ठंडे रहते हैं तो आपको उन पर गौर फरमाने की जरूरत है। इसीलिए मैं आज कुछ ऐसे उपाय लेकर आई हूँ जिसकी वजह से आप अपने पैरों के तापमान को सामान्य रख सकते हैं। नंबर वन, गर्म तेल से करें मसाज अपने पैरों के तलवों पर। अगर आपके पैर के तलवे बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं या फिर 24 घंटे ही ठंडे रहते हैं तो आप अपने पैरों की मसाज गर्म तेल से कर सकते हैं। आप चाहे तो बादाम, सरसों या फिर जैतून के तेल से अपने पैरों की मसाज कर सकते हैं। पैरों की मसाज अच्छी तरीके से कीजिए और उसके बाद मोजे पहन लीजिए। ऐसा करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनेगा और पैर भी गर्म रहेंगे। टिप नंबर टू, जल चिकित्सा यानी कि हाइड्रोथेरेपी। इस थेरेपी के अंदर पैरों को 2 मिनट के लिए ठंडे पानी में और 1 मिनट के लिए गर्म पानी में डुबोया जाता है। इस थेरेपी के अंदर दोनों तरह के पानी को लिया जाता है, यानी कि ठंडा और गर्म। इस थेरेपी को करने के लिए 2 बर्तनों के अंदर गर्म और ठंडा पानी रख लीजिए। पहले तो अपने पैरों को ठंडे पानी में 2 मिनट तक रखिए और उसके बाद अपने पैरों को 1 मिनट के लिए गर्म पानी में रखिए। ऐसी स्थिति को आप 15 से 20 मिनट तक दोहराते रहिए और उसके बाद पैर पोंछ कर मोजे पहन लीजिए। आपके पैरों का तापमान सामान्य हो जाएगा। नंबर थ्री, पैरों की एक्सरसाइज करना। अपने पैरों पर पंजों के बल खड़े हो जाइए और उसके बाद धीरे धीरे करके अपनी एड़ियों को जमीन पर रखिए। इस एक्सरसाइज को 10 मिनट तक करने से भी आपके पैरों का तापमान सामान्य हो जाएगा। टिप नंबर फोर, मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करना। एक टब के अंदर गर्म पानी लीजिए और उसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट को घोल लीजिए और इस पानी के अंदर अपने पैरों को 15 से 20 मिनट तक भिगो कर रखिए। अगर आप इस प्रक्रिया को 1 हफ्ते में 2 बार करते हैं तो आपको काफी आराम मिलेगा। नंबर फाइव है अदरक। 2 कप पानी के अंदर 1 चम्मच अदरक को 10 मिनट तक के लिए उबालें और उसके बाद उसे छान कर उसके अंदर शहद मिलाकर इस पानी का सेवन दिन में 2 से 3 बार करें। ऐसा करने से भी पैरों का तापमान सामान्य हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पैर हमेशा ठंडे रहते हैं तो आपको इन टिप्स को जरूर आजमाना चाहिए। इन्हें आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए।